हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डब्लू एस अकेडमी दिस इज लेक्चर सीरीज़ फॉर जेके पी एस आई रिविजन और ये आ, इंडियन पॉलिटी का हम रिविज़न कर रहे हैं तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे उसका रिविज़न करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको इन डिटेल ऑलरेडी पढ़ाया है ये बैच्स में लेकिन यहाँ पर हम इसका रिविज़न करेंगे ठीक है सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे

किस पार्ट में रखा गया मैंने आपको कल भी ये बताया पार्ट फोर ए में इनको रखा गया ठीक है पार्ट फोर ए में इनको रखा गया आर्टिकल फिफ्टी वन ए में ठीक है आर्टिकल फिफ्टी वन ए में पार्ट फोर ए में इनको रखा गया तो आर्टिकल फिफ्टी वन ए डील करता है किसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ और पार्ट फोर ए ठीक है बात समझ में आ गई शाबाश इसके बाद दे वर एडिड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सवार सिंह कमेटी सवारन सिंह कमेटी जो है उन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बेसिस पे सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इंडिया ने बोरो किया इस कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल ड्यूटीज वाले कॉन्सेप्ट को कहाँ से यूएसएसआर से जो पहले यूएसएसआर था जो फिर डिस इंटीग्रेट हो गया अब रशिया है तो पहले जो यूएसएसआर था वहां से ही फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट इंडिया ने बोरो किया इंडिया ने लाया ठीक है देवर ऑरिजिनली टेन इन नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज पहले दस थी ठीक है जब इनको फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया दस फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया ठीक है उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई एलवंथ फंडामेंटल ड्यूटी किससे एटी सिक्सथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट से जो कि टू में हुआ था फोट एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट दो हज़ार दो में लाया गया था उससे फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ ग्यारह बनाई गई थी दस से ग्यारह ठीक है कब दो हज़ार दो में वो uh, लाया गया था एलेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट से तो अभी कितनी है ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इतना याद रहा अच्छा ये जो एलेवन्थ फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई इसमें क्या कौन सी ड्यूटी ऐड की गई दिस अमेंडमेंट एडिड एट ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्डियन टू एंश्योर दैट यर चाइल्ड और वार्ड वाज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बिटवीन एजस ऑफ सिक्स एंड फोर्टीन ईयर्स ऑफ़ एज तो इसने ये ड्यूटी रखा किसके लिए पेरेंट के लिए और गार्डियन के लिए कि जो भी बच्चा है यहाँ पे इंडियन सिटीजन है उनको आप छः से चौदह uh, साल तक छः सिक्स टू फोटीन ईयर्स तक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे किसके लिए एजुकेशन के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे छः साल से चौदह साल तक के बच्चों को किसको किसकी ड्यूटी है ये पेरेंट या गार्डियन जो होगा उसकी ड्यूटी है कि हर कोई बच्चा जो छः छः से चौदह साल का होगा उसको आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अपलिकेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू द एलियंस ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे अप्लाई होती है फंडामेंटल ड्यूटीज जो आ, कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारी क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को ह, हक भी हकूक भी बहुत मिलते हैं राइट्स भी बहुत मिलते हैं लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है एलियंस के लिए नहीं है ठीक है फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट लीगली बाइंडिंग ये लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका क्या मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अगर आप वो करोगे भी नहीं वो ड्यूटीज़ तो आपको कोई जेल नहीं में नहीं डालेगा ठीक है आप पे ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी नहीं है वो हाँ लेकिन हर एक को करनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी जो भी इंडिया का सिटीज़न है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ड्यूटीज़ रखी गई है बहुत अच्छी है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है ठीक है कोई आपको जेल नहीं भेजेगा कि आपने फंडामेंटल ड्यूटी को अंजाम नहीं दिया बात समझ में आ गई तो लॉ के बिस्ट पे आपको वो फोर्स नहीं किया जाएगा तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज से पहले 10 थी उसके बाद एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से इलेवेंथ को ऐड किया गया अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है और मैंने आपको बताया किस आर्टिकल के अंदर आती है आर्टिकल 51 ए के अंदर आती है पार्ट फोर ए के अंदर आता है बात समझ में आ गई अब क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है इट शल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ़ इंडिया ये हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया की ड्यूटी होगी क्या सबसे पहला एक एक करके मैं पढ़ूंगी फिर इसका मतलब बताऊँगी टू अवॉयड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट दिस आइडिया नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एनथम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानना है हर कोई को जो सिटीज़न है उसको मानेगा उसकी रेस्पेक्ट करेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ देखे हैं या जो इंस्टीट्यूशन है हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूशन या जो नेशनल, नेशनल फ्लैग है हमारा या नेशनल एंथम जो है उसको रेस्पेक्ट करेगा और उसको अबाइड करेगा मानेगा कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करेगा टू कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा टू दूसरा क्या है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अच्छा जितने भी चीज़ों ने हमारी जो नेशनल स्ट्रगल नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है ना जैसे इंडिया नेशनल मूवमेंट थी जब कुछ किस चीज़ कि, किन चीज़ों ने हमें इंस्पायर किया उस चीज़ उसके लिए नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ब्रिटिश से आज़ादी लेने के लिए उन आइडियाज़ को हमें फ़ॉलो करना चाहिए उनको हमें मानना चाहिए जैसे कि एक जो है सेल्फ रेस्पेक्ट एक कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ रूल जो था या एक, एक अपना ग्लोबली अपना नेम बनाना अपनी कंट्री का नेशनल इंटीग्रिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए एज अ नेशन गोमिया दिखाने के लिए तो वो आइडियाज़ को हमें फॉलो करना चाहिए इसके बाद तीसरा तो आप एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अपने जो कंट्री है हमारी इंडिया उसकी यूनिटी इंटीग्रिटी और जो सोवरेनिटी है उसको बचाने के लिए उसको बरकरार रखने के लिए मतलब कि जैसे खुद अभी इंडिया है खुद के डिसीजन खुद ले सकता है किसी पर डिपेंड नहीं है चाहे फ़ॉरन रिलेशन हो चाहे इंटरनल डिसीजन हो खुद लेता है तो वो बरकरार रखने के लिए वो बरकरार रहना रहना चाहिए हर एक जो हमारे सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसको इस जमीन में हमेशा ड्यूटी देनी चाहिए कि ये हमें मतलब कॉन्शियस रहना है कि कोई हमारे मुल्क के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं करा अगर हमें पता चलेगा तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि अपनी इम्यूनिटी इंटीग्रिटी और सेवरेंटी को बचाने के लिए हम इंफॉर्म करें नियस्ट जो है हमारी जो एजेंसीज होती हैं पुलिस होता है उनको उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडेड नेशनल सर्विस वैन कॉल अपॉन दो अपनी कंट्री को हमेशा बचाना डिफेंड करना और अगर कभी भी जरूरत पड़े हमारी नेशनल सर्विसज के लिए कभी वॉर टाइम होता है कुछ भी होता है तो उस टाइम हमें तैयार रहना है उस टाइम हमें जो है अपनी कंट्री के लिए सर्विस देनी ही देनी है, प्रमोट है दे तो प्रमोट हारमोनी एंड द ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमेंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसर्टिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन ठीक है अच्छा और क्या बताया गया है? कि आप ब्रदरहुड कायम रखो भाईचारा कायम रखो चाहे डिफरेंट रिलीजनस के लोग हैं मज़हब के लोग हैं डिफरेंट रिजन्स के लोग हैं डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लोग लेकिन आ, लड़ाई झगड़ा नहीं करो भाईचारा आपस में रखना है और कुछ ऐसी प्रैक्टिस जिससे हमारी औरतों की जो है इज़्ज़त ऐसी प्रैक्टिस जो उनके लिए सही ना हो उनको हमें बेन करना चाहिए वो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिग्निटी ऑफ वूमेन को हमें बरकरार रखना है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर जो भी हमारा रिच हेरिटेज एक कंपोजिट कल्चर का हमारी इंडियन कल्चर का जैसे डांस फॉर्म्स है आर्ट फॉर्म्स है केवस है टेम्पल्स हैं उनको बरकरार रखना प्रिजर्व करना टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवोरामेंट लाइक इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड टू हेव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएटर्स जो भी हमारा इर्द गिर्द माहौल है इकोलॉजी है एनिमल्स है प्लांट्स है, लेक्स है रिवर्स है उनको बचाना उनको मेंटेन रखना ठीक है या जितनी भी हमारी लिविंग क्रिएटर्स है उनके साथ उन उनकी तरफ प्यार दिखाने ये नहीं कि बस ओ आप ये लाओ आ, कोई भी गन लाओ और उनको मारो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन एक सोल्यूशन जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढना कंपैशन दिखाना उनकी तरफ प्यार दिखाना टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड स्प्रिट ऑफ एंड रिफॉर्म एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना मतलब जैसे पहले अंधविश्वास करते थे लोग लोग सोशल इवेल्स में बढ़ जाते थे और वो सुपर सुपरसिटिशियस बिलीफ्स में बढ़ जाते उसको बंद करो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो साइंटिफिक लाइंस पे चलो मेडिसन में मेडिसन की तरफ जाओ साइ इनोवेशनस की तरफ जाओ डिस्कवरी की तरफ जाओ अगर कोई चीज़ आप मान रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए इलॉजिकल चीज़ों को बंद करो ठीक है टू सेव गर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी इन एबजेंस वायलेंस नहीं करना है उसको छोड़ना है नॉन वायलेंस वे में, में रहो और जो अगर जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जो लोगों की प्रॉपर्टीज होती है रोड्स है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको या ब्रिज है उनको प्रोटेक्ट करना टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल फियर्स ऑफ इंडिविजअुल्ड कलेक्टिव एक्टिविटीज नेशन कॉन्स्टेंटली रज हाईल्स ऑफ इंडि एंड अचीवमेंट और हमेशा हर एक फील्ड में हमें क्या करना है कोशिश करनी है बहुत आगे जाने की सो देट हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और मुल्क हमारा मुल्क उस हर एक फील्ड में हायर लेवल तक जाए जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो नैनो टेक्नोलॉजी हो बायोटेक्नोलॉजी हो इंडियन सिनेमा हो आ, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड आता है या क्रिकेट हो ओलंपिक्स हो ठीक है हर एक चीज़ में उसमें एक्सेलेंस लेनी है हमें टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट द गार्डियन टू हिज चिल्ड्रन और अवार्ड बिटवीन द एज ऑफ सिक्स टू फोर्टीन इयर्स ईयर्स एज द केस मे बी और चाहे पेरेंट हो चाहे गार्डियन हो uh, उनको चाहे जो जो भी बच्चे उनके uh, पास रहते हैं उनको छः से चौदह साल के जो बच्चे होंगे उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन उनको तालीम दिलानी है तो ये इलेवंथ जो है यही हमने फिर एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूट से ऐड की तो ये जो ग्यारह फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ थी मैंने आपको एक एक करके पढ़ के उनकी मीनिंग बताई ये ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम uh, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है इन पार्ट फोर ए अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन ए फोटी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से इनको ऐड किया गया पहले दस को और फिर ग्यारहवीं को एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनमेंट एक्ट दो हज़ार दो में जो आया था उससे ऐड किया गया ठीक है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरन सिंह कमिटी इनको लाया गया यू एस एस आर से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ठीक है तो ये था सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा सो राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है आपको कैसी जा रही है आपको ये रिविजन सीरीज़ बाकी आई यू ऑल द बेस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ यल्फ अल्लाह हाफिज़